बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी एयरलाइन के प्यारे एक हादसा पेश आया जी। मैं यहाँ पर आपके साथ कुछ पिक्चर वगैरह भी शेयर कर देता हूँ। और जो अभी की आपको पहले मैं ये बता दूँ कि सऊदी अरेबिया का मेरे हिसाब से तो वर्ल्ड वाइड ही सऊदी एयरलाइन जो है जी बेस्ट एयरलाइन में आती है। मैंने सफ़र किया हुआ एक दफ़ा इसके ऊपर रियाज टू दमाम के लिए, औसम है जी। और इसके अलावा मेरे हिसाब से तो सऊदी अरेबिया से अगर कुछ पाकिस्तानी भी आते हैं ना, कुछ क्या ज़्यादातर मैंने देखा है जी सऊदी एयरलाइन की टिकट बुक करते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ जी। और दूसरी एक बात ये क्लियर करूँगा कि सोशल मीडिया के ऊपर कुछ वीडियो में ऐसी भी देख रखा था अभी कि जिसमें बताया ये जा रखा था कि सऊदी एयरलाइन की तमाम तर एयरलाइंस इस वक्त रोक दी गई हैं, पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश वगैरह ये वो जी कुछ कंट्रीज़ के लिए। अभी उनकी जो टिकट्स वगैरह हैं आपने अगर खरीदी हुई है या आपकी लेने की सलाह है तो वो डिले कर दी गई हैं। इसके मतलब जो भी है जी सच्चाई वो भी आपको बता देता हूँ मैं। सबसे पहले आपको मैं पिक्चर वगैरह दिखा रहा हूँ, साथ में ये हुआ कुछ यूँ है जी। सऊदी अरेबिया एयरलाइन का इख्तियार है जी रियाद से फिलीपीन के शहर मनीला के लिए सफ़र किया गया है जी। तो वहाँ एयरपोर्ट के ऊपर ही लैंडिंग के दौरान हादसा पेश आया। हादसा ये पेश आया कि वो जो तैयारा है जी वो लैंडिंग के दौरान ट्रैक से फिसल गया है, नीचे ज़मीन में आप बोल रहे हैं ज़मीन में धंस गया जी या ज़मीन पर जाकर रुक गया है। सिंपल अल्फाज में अगर हम बात कर लें तो वहीं पर तैयारा बंद हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई भी किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई आदमी इंजर वगैरह नहीं हुआ है, सब सेफली उतार लिए गए हैं। अभी ये न्यूज़ चली सोशल मीडिया के ऊपर और इसको लेते हुए कुछ लोफर किस्म के बंदे बोल सकता हूँ मैं जो ऐसी न्यूज़ फैला रखे हैं, जो ये बोल रखे हैं कि सऊदी अरेबिया की एयरलाइन एक दफ़ा रोक दी गई है तमाम तर सिटीज़ के लिए, कुछ कंट्रीज़ के लिए जिसमें पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश वगैरह या ऐसे कुछ नाम वगैरह लिए जा रहे हैं। तो क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। अगर आप ऐसी कोई भी वीडियो देख लेते हैं तो वो फेक है। आपने कोई भी टिकट ली हुई है या आपकी लेने की सलाह है, आप बुक करें, आपने टिकट ली हुई है तो आपकी फ़्लाइट टाइम से उड़ेगी और टाइम से पाकिस्तान या इंडिया बांग्लादेश कहीं भी आप जा रहे हैं वो आपको टाइम से लेकर जाएगी। ये एक फेक न्यूज़ है। हाँ, ये त्यारे वाली हादसे वाली जो खबर है ये सच है जी, लेकिन इसके बरक्स जो खबर फैलाई जा रही है वो फेक है जी।